स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। एसेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग नंबर आपका एक्सरसाइज 1C का, एक्सरसाइज 1C का आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2, 3, 4 और 5 नंबर में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको बताए थे कि कैसे बनाया जाता है नंबर फॉर्मिंग में। पहले हम आपको बताते हैं आज एसेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर। जैसे 2 का ए नंबर क्वेश्चन है आपका 4, 6, 7, 8 आपके बुक से ही बताते हैं कि कैसे क्या होगा, तो कौन सा नंबर है 3102, 3319, 9218 and 3921 ये आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए, अगर आपका ये बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, क्या है ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में 1, 10, 100, 1000 में क्या करेंगे पुट कर देंगे। 4, 6, 7, 8 है, 3102 वैसे हम पुट कर रहे हैं से, लेकिन ये गलत है, आप लोग जब भी कीजिएगा तो पीछे साइड 3913 है, ये 8129 ऐसे पुट कीजिएगा, आप लोगों से गलती नहीं होगी क्योंकि कुछ डिजिट जो है वो 3 नंबर के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में क्या हुआ छोटे से बड़ा, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, ये 4 है, 3 है, 3 है, 9 है, 3 है, तो 3 3 3 यहाँ पे 1000 प्लेस पे 3 जगह, 3 जगह क्या है 3 है, तो हम लोग 100 प्लेस पे देखेंगे फिर कि इन 3 में, इन नंबर में, इसमें 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 9 है, यहाँ पे 3 है, 10 पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो सबसे छोटा क्या है 1 है, तो ये सबसे छोटा हो गया आपका, क्या हो गया 3102। उसके बाद फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3319 आएगा सेकंड नंबर पे, और फिर 3921 आएगा तीसरे नंबर पे, ये तीनों हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1000 प्लस पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 4 छोटा होना चाहिए, तो 4678 होगा, उसके बाद 9218 आएगा। ये प्लेस वाले चार्ट अगर आप लोग कर लीजिएगा तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ओके। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग है, इसमें डिसेंडिंग भी बता देते हैं, डिसेंडिंग में क्या होगा सबसे बड़ा देखेंगे कि 1000 प्लेस में सबसे बड़ा क्या है, अगर 2, 3 अगर एक जैसा मिल जाएगा तो उसको हम लिखेंगे जैसे असेंडिंग है, ठीक उसी तरीके से डिसेंडिंग होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर भी ठीक उसी तरीके से होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट, क्या है सर्कल करने के लिए बोला है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो इसमें हम बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ये है और ग्रेटेस्ट नंबर ये है, और इसमें सिर्फ लिख देना है कि अगर इधर क्या है आपका पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख दीजिएगा 3102 और इधर लिख दीजिएगा 9218, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए, इसी में आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता दिए एक ही में। समझ में ना आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, इसमें आपका कुछ डिजिट दिए हुए, इससे क्या करना नंबर बनाना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है आपका 3456, इसमें क्या करना है स्मॉलेस्ट बनाना है और इसमें लार्जेस्ट, इधर क्या ग्रेटेस्ट है GREATEST ग्रेटेस्ट ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इन दिए गए डिजिट को हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग नंबर में लिख देंगे। असेंडिंग नंबर क्या हुआ आपका 3456, इसमें हम लोग कॉमा का यूज नहीं करेंगे, कॉमा का यूज बिल्कुल नहीं करना है, बस ये हो गया नंबर, और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में 6543 आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ये स्मॉलेस्ट बन गया, और डी नंबर में क्या है 7019 वाला भी बताते हैं, जीरो वाला में क्या करेंगे जीरो इसका डिसेंडिंग तो कर देंगे हम लोग 9720 ये तो बन जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट में क्या होगा अगर असेंडिंग करेंगे हम लोग 0279 यहाँ पे क्या होगा ये तो 279 3 डिजिट का बना, बनाना कितना का है 4 डिजिट का, तो हम लोग जीरो से क्या करेंगे इसको नंबर को रिप्लेस कर देंगे, पहले सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा इसमें उसको हम रिप्लेस कर देंगे जीरो के साथ चेंज कर देंगे, ये हो गया और ग्रेटेस्ट ये हो गया स्मॉलेस्ट ये हो गया।
एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।